गुड इवनिंग टू ऑल द डियर टीचर्स हु हैव जॉइंड अस फॉर द सेशन टुडे। मैं हूं आपकी साथी इप्सिता और गुरुशाला टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आज के सेशन में। आज का हमारा ये जो सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अपने आप में ही बहुत खास हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी टीचर्स को बताना चाहूँगी कि गुरुशाला एक पहल है इंडस्टार्स लिमिटेड और वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन की, और कार्यान्वित किया जाता है यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। हमारे कंटेंट पार्टनर्स हैं जिज्ञासा फाउंडेशन। तो चलिए टीचर्स आगे बढ़ते हैं सेशन में, और समय आ गया है कि जो खास शख्स हमारे साथ आज सेशन में है उनका मैं इंट्रोडक्शन आप सबको दे दूँ। तो वेरी वार्म वेलकम सर, आज प्रदीप नेगी सर हमारे साथ जो है इस सेशन का जो पार्ट बनेंगे। प्रदीप सर जो है वो लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स में और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज BHEL हरिद्वार में वो एक अच्छी पोजीशन पर हैं। तो सर आज के सेशन में हम अपने टीचर्स के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए जानते हैं आपके द्वारा। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आज हम क्रिएटिंग ई कंटेंट यूजिंग H5P। H5P एक इनोवेटिव और इंटरैक्टिव टूल है जिसकी सहायता से हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं और हमारे जितने भी छात्र हैं वो भी इसमें से कुछ प्रयोग कर सकते हैं, और जो हमारे शिक्षक हैं बहुत ही अच्छे ई कंटेंट इसमें बना सकते हैं और असेसमेंट के रूप में इस टूल का प्रयोग वो कर सकते हैं, छात्रों को दे सकते हैं। छात्र इस असेसमेंट टूल के रूप में इसको जब करेंगे तो उन्हें बड़ा मजा आएगा। तो अब हम देखते हैं कि H5P आखिर है क्या। तो आज जो हमारा वेबिनार है इसमें हम सबसे पहले कुछ बातें सीखेंगे, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ H5P का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की है क्या, How to explore H5P web-based tools online? Online हम इसे कैसे explore कर सकते हैं? Create account on H5P. H5P में हम कैसे account बना सकते हैं? Explore e-content type. जितने भी हमारे content होंगे अलग अलग प्रकार के वो हम इसमें explore करेंगे। Create some content. कुछ content भी बनाने का प्रयास करेंगे, और last में हम उसको save करेंगे और share के तरीके बताएंगे कि उस कंटेंट को आप कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि H5P है क्या, ये एक ओपन सोर्स कंटेंट कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन जावा टूल है, और इसको हम HTML5 पैकेज के नाम से भी ये फेमस है, और इसका जो एम होता है वो क्रिएट शेयर और रीयूज इंटरैक्टिव HTML5 कंटेंट, जिसको आप शेयर कर सकते हो, आप उसको रीयूज कर सकते हो, और इसमें आप इंटरैक्टिव वीडियोस, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, क्विजेस और इंटरैक्टिव टाइमलाइंस, कई सारी चीजें इसमें आप बना सकते हो। H5P एक कम्युनिटी वेबसाइट ओपन सोर्स है जिसमें आप अपने ई कंटेंट को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और H5P आप कैनवास, ब्लैकबोर्ड, ड्रुपल, वर्डप्रेस, मूडल, इस पर प्लग इन करके आप इसमें तरह तरह के ऑफलाइन के रूप में भी आप इसमें काम कर सकते हो, और बाद में उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट फॉर योर LMS और वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और वेबसाइट में भी आप H5P के टूल्स को एम्बेड कर सकते हो। तो चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि H5P को हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे H5P.org साइट को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट फ्री अकाउंट। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में काम करने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा, तो आप फ्री अकाउंट इसमें बनाएंगे यहाँ पे। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके आप इसमें बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया है तो मैं लॉगिन करूंगा इसलिए डायरेक्ट ये अकाउंट मेरा खुल जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में जाके अकाउंट बनाना होगा। मैंने क्योंकि पहले से अकाउंट बनाया हुआ है
तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है और मेरे यहाँ पर कई सारे ई कंटेंट बनाए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ई कंटेंट की लिस्ट है पूरी और मेरे को 4 साल हो गए हैं लगभग इसमें, 3 years 9 months आप देख रहे हैं यहाँ पर। और कई प्रकार के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लास के ई कंटेंट मैंने बनाए, जब चाहे आप बना सकते हो, उनको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब हम ट्राई आउट H5P के कुछ उदाहरण देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ई कंटेंट, किस प्रकार के ई कंटेंट बनाए जा सकते हैं। तो ई कंटेंट का ये मेन्यू बार है जिसमें आप देख रहे हैं कोर प्रेजेंटेशन, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे इसमें टूल्स हैं जो हम सर्च करेंगे, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। एक उदाहरण मैंने दिखाया ड्रैग एंड ड्रॉप्स, हम इसमें बना सकते हैं। जो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है, यहाँ पे एक तरफ हमने वो उनके आंसर्स लिखे, इसको हम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं और बाद में उसको चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही इंटरेक्टिव है ये। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जैसे कुछ यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लिखा और बाद में हम देख रहे हैं इसमें कुछ हमने गलत ड्रैग कर दी, तो सॉल्यूशन में जाके हम क्लिक करके पूरा देख सकते हैं कि हमने कौन सा गलत करा, कौन सा सही। हॉट स्पॉट एक और अच्छा इसमें इंटरेक्टिव टूल है जिसमें आप कोई भी इमेज ले सकते हो, कोई भी डायग्राम ले सकते हो और उसमें अपने हॉटस्पॉट बना सकते हो। जैसे मैंने इसमें हॉटस्पॉट बना रखे हैं, ये सन, अम्ब्रेला, इस प्रकार के छोटी छोटी चीज फर्स्ट क्लास के बच्चों को या नर्सरी केजी या इससे डिफिकल्ट आप इमेज ले सकते हो, उसमें भी आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी बना सकते हो। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे बच्चे माउस से प्लस के चिन्ह में तो पता चल जाएगा सन है, ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें भी करेंगे सब में आंसर आ जाएगा कि क्या चीज है। तो बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव टूल है ये। जैसे मैंने इसमें 9th class के बच्चों का है ये, इसमें लेक है, इंडियन मेजर लेक, एनसीईआरटी की बुक का सोशल साइंस का पार्ट है, इसमें कई सारी लेक्स हैं। तो मैप दिखा के बच्चों को पता नहीं चलता कि लेक्स हमारी कहाँ पे हैं और कौन कौन सी लेक है, तो ये एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो जाएगा बच्चों को कि आपने पूरा पार्ट पढ़ाया, उसके बाद क्यों ना बच्चों से एक्टिविटी कराई जाए कि कौन कौन सी लेक कहाँ पे, तो बच्चे इसमें क्लिक करके सर्च करेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सी लेक है। जैसे बच्चों ने इसमें क्लिक करा तो नैनीताल लेक आ जाएगा और उसकी वीडियो भी आ जाएगी। आप इसमें लेक भी डाल सकते हैं, नाम के साथ फोटो भी डाल सकते हो और वीडियो भी डाल सकते हैं यूट्यूब से। इसके बाद इंडियन मेजर रिवर, ये भी एक एक्टिविटी है कि भारत में कई प्रकार की नदियां हैं और हर नदियों के नाम बच्चों को पता है लेकिन ये नहीं पता मैप में कि कौन सी नदी कहाँ पर है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिवर कहाँ पे है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक्टिविटी बना सकते हैं आप। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा तो यमुना रिवर आ गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गंगा रिवर आ जाएगी। तो ये सब एक एक्टिविटी है जो आप इसमें बना सकते हैं। मेमोरी गेम आप इसमें बना सकते हैं, जैसे आपने ये आइकन बंद है, आप इसमें बच्चों से क्लिक करके पूछेंगे, बच्चे उसका जवाब देंगे और उसमें आप साउंड भी डाल सकते हैं, मंकी की साउंड, लॉयन की साउंड, ऐसी किसी भी और ऑब्जेक्ट की साउंड डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं बच्चों से कि क्या चीज है। तो ये मेमोरी गेम बन सकता है, बहुत अच्छा है इसमें। इसके बाद क्विज, क्विज बहुत सारी इसमें तरह तरह की क्विज बन सकते हैं, सिंगल, मल्टीपल और एक बल्क के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो जैसे ये क्विज का एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पे, और उसमें क्या होता है, क्विज के साथ साथ इसमें स्कोरिंग भी है, ये ऑटो स्कोरिंग भी कर लेता है कि कितने सही हुए कितने गलत। ये देखिए लास्ट में मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई है, तो 10 में से 20 सही हुए, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं और दोबारा भी क्विज को खेल सकते हैं यहाँ से। ये कोर प्रेजेंटेशन है और कोर प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें कई सारे टूल एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये H5P का सबसे बेस्ट टूल है। इसमें आप देख रहे हैं वीडियो है, वीडियो के बाद हमने इसमें एक एक्टिविटी इसी में डाल दी है, एक क्वेश्चन डाल दिया है, बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक और वीडियो हमने इसमें डाला, वीडियो देखने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार इसमें कई वीडियो, टेक्स्ट सब का मिक्सचर हम इसमें कर सकते हैं। जी सर, सर यहाँ पे हमारे एक टीचर हैं बलजीत मैम, वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं
और उनका क्वेश्चन है कि क्या हम इस जो प्लेटफॉर्म है या जो एप्लीकेशन है इसको हम मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। हाँ, मोबाइल में भी आप इसे कर सकते हैं। H5P आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो इसका मोबाइल में ऐप आ जाएगा और वहां से भी आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा हमने एक्टिविटी और बनाया है इसमें, ये ग्रामर का। ग्रामर के लिए भी आप बहुत अच्छा टूल है, आप इसमें ग्रामर के बना सकते हैं, जैसे एम और हैव का इसमें प्रयोग कैसे करेंगे बच्चे। तो एक हमने इसमें चित्र बना के इसमें एक पूरी की पूरी एक स्टोरी डाल दी है और इसमें बच्चे अपने की चाहे मोबाइल से चाहे अपने लैपटॉप के की पैड से इसमें आंसर भरेंगे और उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सही था कौन सा गलत। तो यहाँ पे बच्चे इसका बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए इसमें हम आंसर भी करेक्ट बता सकता है, आप जब इसको करेक्ट करेंगे तो ये पूरा बहुत अच्छी एक्टिविटीज से बन सकती है और स्कोरिंग भी आएगा यहाँ पे कितने मतलब बच्चों ने सही किए कितने गलत। इसके बाद एक और इसमें एक्टिविटी, इसमें उदाहरण मैंने दिया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। छठी क्लास का है ये, सामाजिक विज्ञान का, सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट एक का। इसमें जो अभ्यास कार्य होता है पाठ्य पुस्तक के लास्ट में, उसी की हमने एक एक्टिविटी बना दी है और ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इससे बन जाती है। ये देखिए आप, ये हमने यहाँ से ड्रैग करा, इसमें सब कुछ आ गया और जो हमारे गलत है हम यहाँ से सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं और या हम उससे पहले दोबारा रिट्राई कर सकते हैं। ऐसी इंग्लिश ग्रामर का भी है। एक हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का पार्ट 4 वायु का हमने एक चैप्टर लिया है, इसमें अभ्यास कार्य है और अभ्यास कार्य को ही हमने एक क्विज का रूप दे दिया है। 5 क्वेश्चन थे, हमने उसका क्विज का रूप दे दिया। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया तो हम इसमें उसको आंसर भरेंगे और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कितने हमारे सही हैं कितने गलत हैं। ऐसी एक और है ये। और इसके बाद हम फाइल सेव, ये फाइल सेव का ऑप्शन आता है, आप फाइल को सेव करेंगे और फाइल को अगर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो, रीयूज में जाके फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन ये फाइल ओपन दिखाई नहीं देगी आपको, मतलब प्ले नहीं होगी, ये केवल प्ले H5P के प्लेटफॉर्म पे ही प्ले होगी। तो यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं, ये जो हमने एक्टिविटी बनाई इसी एक्टिविटी का ये ऊपर लिंक आ गया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके आप चाहे इसको व्हाट्सएप से या ट्विटर से कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थोड़ा प्रेजेंटेशन और अब हम इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। तो टीचर्स सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं सभी टीचर से ये निवेदन करना चाहूंगी कि उनके कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें ताकि वो क्वेरी और क्वेश्चंस सर हमारे साथ जो है सेशन के दौरान ले सके। तो आगे बढ़ते हुए सर हमें ये बताएंगे कि इस टूल को हम हैंड्स ऑन किस तरह से यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव एक्टिविटीज बनाने के लिए, जैसे सर ने अभी हमारे साथ शेयर करा कि हम फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। तो इन सबको हम क्रिएट किस प्रकार करेंगे ये सर हमारे साथ कुछ ही देर में साझा करेंगे। तो सर आप जब तक हमें बताएंगे हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर्स के जो जहन में हो सकते हैं उनका तब तक हम जवाब दे सकते हैं। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं H5P, क्या ये पेड प्लेटफॉर्म है या एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है? ये एक ओपन सोर्स फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन पहले ये 5-6 साल तक तो टोटली पूरा फ्री था। अब इन्होंने क्या करा है कि कुछ टूल्स आपके लिए फ्री हैं और कुछ टूल्स आपके लिए पेड हैं। तो लेकिन आप उससे चिंता मत करिए, उन टूल्स को आप 1 महीने तक फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके उसकी फाइल आप अपने सिस्टम में सेव कर दीजिए और बाद में उन फाइलों को फिर आप अपने
जो आपका अकाउंट बना वहां अपलोड कर दीजिए। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ टूल ऐसे हैं जो पेड है, अब हो गए हैं पेड, पहले फ्री थे टोटली, लेकिन आप अब भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी सर, आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे होंगे मैंने H5P लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। सर यहाँ पे एक टीचर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सुजाता मैम हमसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से हम मैथ सब्जेक्ट्स में जो है इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैथ सब्जेक्ट में भी आप इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में आप इसमें कोई वीडियो आपने अगर बना रखा, वो वीडियो डाल सकते हो आप मैथ्स में, और उन वीडियो से रिलेटिव आप कोई उसमें एक्टिविटीज जोड़ सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं टेक्स्ट, मतलब बुक्स पार्ट खत्म होने के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो ऑब्जेक्टिव बेस हो। इस तरह का ना हो कि जिसमें बच्चे लिखना शुरू कर दें, इस तरह तो नहीं हो पाती है, लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है जो बच्चे कीबोर्ड से उसमें आंसर लिख सके। आप इसमें डायग्राम भी डाल सकते हैं, डायग्राम बना के डाल सकते हैं, पिक्चर बना के अपलोड कर सकते हो, न्यूमेरिकल की पिक्चर डाल सकते हो आप उसको, मतलब बना के, और उसमें आप क्विज कर सकते हो बच्चों के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, हॉटस्पॉट भी कर सकते हो, कई आप इमेजेस जैसे ज्योमेट्री की इमेजेस है वो डाल सकते हो, और उनको किनारे पे बोलोगे कि कौन सा एंगल आएगा, तो उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होंगी। बाकी आप जो H5P के ट्यूटोरियल है यूट्यूब में डले हुए, आप उनको देख सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब आप इसमें टूल्स का मैं अपने ई कंटेंट डेवलप कर सकते हो। जी सर, तो अब हम H5P, हाँ, तो जैसे हमने H5P यहाँ पे गूगल क्रोम में लिखेंगे तो h5p.org यहाँ पर आ जाएगा, ये क्रिएट एंड रिच HTML कंटेंट एंड एप्लीकेशन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर इसका इंटरफेस खुल जाएगा। ये H5P का इंटरफेस है, और यहाँ से आप क्रिएट फ्री अकाउंट बनाएंगे। मैंने तो लॉगिन किया हुआ है, तो अब देखते हैं इसमें क्रिएट फ्री अकाउंट ये भी आएगा नहीं। मैं लॉगिन इसमें करने के बाद लॉग आउट होता हूँ। अब आप जैसे ही इसमें क्रिएट फ्री अकाउंट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये क्रिएट न्यू अकाउंट। आप यूजर नेम डालेंगे, अपना ईमेल अकाउंट डालेंगे, पासवर्ड, पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा, जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ ग्रीन नहीं आएगी तब तक वो आगे अब बढ़ेगा नहीं, वो बार बार एरर शो करेगा। तो पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बारे में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कुछ अपने बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको मंथली अपडेट चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में कैप्चर जो कोड होगा आएगा, जैसे W लिखा है, 5 letters स्टार्ट विद W, ठीक है। यहाँ पे हिंट भी होगी तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं केवल लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करने से, जैसे मैंने लॉगिन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये नहीं पूछेगा बाद में जब आपका एक बार पूरा सेव हो जाएगा। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने अकाउंट लॉगिन किया मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ। यहाँ देखिए ये माई अकाउंट आ गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है H5P का। यहाँ फोरम में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल एंड डाउनलोड्स में मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। आप जब एग्जाम्पल एंड डाउनलोड्स में जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ई कंटेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ ई कंटेंट्स जो आप बना सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियोज बना सकते हैं, वीडियो के बीच में पर्सन पूछ सकते हैं आप, जो कि और किसी भी टूल्स में मैंने देखा नहीं है, केवल H5P में ही है। वीडियो के बीच में आप जितने चाहे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसमें उनको लिंक दे सकते हो आप। कोर प्रेजेंटेशन जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, इसके बाद इसमें बहुत सारे हैं तो हर एक को डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। यहाँ पे गेम्स भी हैं, मल्टीमीडिया टाइप के भी आप ये कंटेंट बना सकते हैं, गेम्स टाइप के, क्वेश्चन टाइप के और सोशल मीडिया टाइप के।
ये सारे मिक्स हैं यहाँ पे इस समय। तो आप देख रहे हैं ये अर्थमेटिक क्विज भी दे रखा है इसमें, जो मैम ने अभी पूछा था, तो अर्थमेटिक क्विज भी हम इसमें बना सकते हैं। चार्ट ये मैंने बच्चों के लिए बनाए थे इकोनॉमिक्स में, डिक्टेशन, डायलॉग चार्ट, कॉलम, कॉलेट, बहुत सारे हैं इसमें। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग द वर्ड्स, इसको हम बनाना आज देखेंगे, ड्रैग द वर्ड्स, और ड्रैग एंड ड्रॉप, ये दो एक्टिविटीज और कोर प्रेजेंटेशन। आज हम तीन ये एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे। एक ये भी है फाइंड द हॉट स्पॉट, जो मैंने दिखाया था आपको। तो ये बहुत सारी हैं इसमें एक्टिविटीज, तो आप इनको सबको, क्वेश्चनेयर हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया, सिंगल क्वेश्चन सेट हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो इतने सारे आप इसमें ई कंटेंट टाइप्स बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, जो मैंने ई कंटेंट्स बनाए हैं अब तक, तो आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे ये मैंने बना रखे हैं ई कंटेंट, हमारा सौरमंडल, सामाजिक विज्ञान, सौरमंडल में पृथ्वी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, और कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के हैं, अलग अलग। मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ, इसलिए अलग अलग टाइप के हैं। कोई 11th क्लास की एक्टिविटी, कुछ 12th क्लास की है। तो इसमें से एक दो एक्टिविटी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस प्रकार इसमें हम कर सकते हैं। जैसे सामाजिक का मैंने अभी पहले 6th क्लास का ले लेते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पे ये व्यू आ गया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी हम व्यू मोड में हैं, और इसी को मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। तो व्यू मोड में हम सबसे पहले देखते हैं ये, तो ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं खालिस्तान भरी है, ये खालिस्तान है, और इनके आंसर्स यहाँ पे हैं, और इन आंसर्स को हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं आसानी से। तो पहला, जैसे एक समूह का जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने जैसे ये डाल दिया, ड्रैग कर दिया हमने, नक्षत्र मंडल डाल दिया, उसे हमने कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आकाश गंगा डाले। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो ये हमने अगर हमें लगा ये गलत हो गया, हम यहाँ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे भी कह सकते हैं ऐसी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे हम कुछ और कर सकते हैं, यहाँ डाल दिया प्रकाश, यहाँ डाल दिया चांद, यहाँ डाल दिया गर्मी। अब हमने सारे के सारे ड्रैग कर दिए वर्ड्स, ये वर्ड्स हमने यहाँ से उठा के सारे ड्रैग कर दिए। अब हम इसमें चेक करेंगे, तो हमने देखा कि हमारे ये गलत हो गया, तारे यहाँ पे आना चाहिए था, नक्ष मंडल यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे ये भी गलत हो गया हमारा। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि हमने जो ड्रैग केस का रियल आंसर क्या है। 7 में से हमारे 3, केवल 3 सही हुए, बाकी गलत हो गए। तो 100 सॉल्यूशन में जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो हमें आंसर यहीं पे आ जाएगा। तो इसका तारे आना चाहिए था पहले में आंसर, और दूसरे में नक्षत्र मंडल आना चाहिए। यहाँ पे ये सही था हमारा, ये भी सही था, ये भी सही था। ग्रहों के पास अपना ही गर्मी तथा प्रकाश नहीं होता, हमने गलत भर दिया। तो आपने देखा कि एक्टिविटी है, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिट्राई करके हम इस पे दोबारा इसका खेल सकते हैं। सर यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हमसे निवेदन कर रहे हैं कि उनको स्क्रीन जो है वो शायद से अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आप कृपया स्क्रीन थोड़ी सी जूम करके अगर दिखा सकें तो, ताकि टीचर्स अच्छे देख सकें। हाँ, ये असल में क्या है, लोग मोबाइल्स में देखते हैं, और मोबाइल्स में उनको अपनी सेटिंग चेंज करनी होगी। अगर वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो उसको HD मोड पे देखिए, तो बहुत क्लियर दिखाई देगा। आजकल डिफॉल्ट HD मोड पे नहीं आता है यूट्यूब, हाई पिक्सल पे देखेंगे तो बहुत क्लियर दिखाई देगा। वैसे मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से। जी सर। हाँ, तो कक्षा 7 का एक और हम एक्टिविटी लेते हैं, और इसको मैं अभी जूम कर दूंगा। और ये अध्याय
वायु का है, इसको मैं यहाँ से और जूम कर देता हूँ, तो मैंने 150 कर दिया काफी। अब ये हमारा जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, ये है आपका सातवीं कक्षा का, और वायु चौथा पार्ट है, भूगोल का है ये। तो नोट सभी पर्सन करने अनिवार्य है। आप ये इस तरह यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी पर्सन बहुविकल्पी हैं, कृपया एक सही उत्तर चुनाव करें। तो हमने क्विज बनाई है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको दो भी रख सकते हो, चार भी रख सकते हो, पांच छह, जितना अपने अनुसार बढ़ा सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन दे रखा, तो हम इसमें जैसे ओजोन में क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हैं इसका, तो हमारा आंसर एकदम सही है। इसमें हम म्यूजिक भी डाल सकते हैं, सही होने पे म्यूजिक अच्छा बजेगा और गलत होने पे म्यूजिक दूसरा टाइप का बजेगा, हम ये भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद आपने देखा पहला क्वेश्चन हो गया, पहले डॉट यहाँ पे आ गया, ये आगे बढ़ने का है साइन, इससे हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? हम कुछ भी लिख देते हैं, जानबूझ के हम गलत आंसर भी डाल देते हैं, इस पर डाल दिया, हम अभी चेक नहीं करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमने फिर इसमें सौर मंडल डाल दिया, और फिर लास्ट वाले में ये वाला डाल दिया। अब हम यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे को चारों आंसर पता लग जाएगा, पांच है सॉरी इसमें, और इसका लास्ट एक और कर दिया हमने। अब हम फिनिश्ड आ गया यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो इस हमने जैसे फिनिश किया तो हमें मार्क्स मिले पांच में से दो। अब हम सोल्यूशन जाके देख सकते हैं कि हमारे से कहाँ पे गलती हुई, या सोल्यूशन ना देख के हम दोबारा रिट्राई करके दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो पहला हमारा सही था, दूसरा क्वेश्चन हमारा गलत था, इसमें क्रॉस आ गया रेड, आंसर हमारा सौर मंडल है, इसमें देखो बिंदी आई है, तो इसका मतलब इसका उत्तर ये वाला होना था। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये वाला होना चाहिए था, सप्ताह मंडल, और हमने सौर मंडल भरा। इसके बाद चौथे का घटता है, ये सही था, और पांचवा हमारा वर्षा होना चाहिए था, हमने बादल करा। तो आपने देखा कि हमारे केवल दो ही क्वेश्चन सही थे, बाकी गलत। तो बच्चे से बार बार प्रैक्टिस करके 5 out of 5 प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी है एक्टिविटी है, इसको शेयर भी आप कर सकते हैं बच्चों को। तो इसमें और भी एक्टिविटीज मैंने बनाई हुई है, जैसे मेमोरी गेम का है, ये मेमोरी गेम है, ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए नहीं है। इसमें बच्चों को कोई पार्ट पाने के बाद इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे कोई भी जानवर आएंगे तो उनकी आवाज भी हम भर सकते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंस हम कर सकते हैं उसका कि क्या था ये। दूसरा ये भी वही आया, गुड, मैच कर गया, दो अगर फोटो आपकी मैच कर गई तो गुड आएगा, और अगर फोटो मैच नहीं करी तो गुड नहीं आएगा। वो हमें फटाफट करनी होगी एक्टिविटी ताकि हमारी मैच करे फोटो। इसमें कितनी है, मैंने बड़ा कर रखा है इसलिए दिक्कत आ रही, दो मैच कर गई हमारी इसको और इसको करते हैं, तो मैच नहीं हुई, इसको और इसको करते हैं, ये मैच हो गई तो गुड। तो एक छोटा सा गेम है इस प्रकार का, मनोरंजन गेम आप बना सकते हैं, तो गुड वर्क आ गया इसमें अपना भी। सर यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टीचर्स हमसे पूछ रहे हैं वो मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पे मंजू मैम का सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आप वॉइस भी डाल सकते हैं, तो उनका क्वेश्चन है, मंजू मैम हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या इसमें हम वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं? हाँ, वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन जो बनाएंगे आप, कोर प्रेजेंटेशन, उसमें आप कर सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें आप कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप नहीं कर सकते। जी सर, इसी के साथ जी सर, सर सोनिका मैम हमसे पूछना चाहती है कि क्या हम ये देख पाएंगे इसमें कि कितने बच्चों ने जो है हमारे जो अभ्यास प्रश्न है उनका उत्तर दिया है, और कितने बच्चों ने उनको सॉल्व किया है, कितने बच्चों ने सही किया है, गलत किया है, तो क्या ये हम इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? ये तो अभी मैंने चेक नहीं किया है इसमें, क्योंकि जैसे गूगल फॉर्म में आप कर सकते हैं, इसमें अभी इस तरह का एक्टिविटी मैंने करी नहीं है। ये मोस्टली बस हम शेयर करते हैं कि बस बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं,
अधिकतर मैंने स्क्रीनशॉट वाला जैसे क्विज बनाया कि बच्चे करेंगे, बाद में मैंने बच्चों को यही कहा है कि व्हाट्सएप में कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए लास्ट में, तो उसके लिए क्या है कि आपको फिर वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगानी पड़ेगी इसमें, जैसे आप दोबारा उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब क्विज को एक ही बार आप कर सकते हो। तो इस प्रकार के जैसे रीट्राय ऑप्शन हटा दें, और उसमें कई सारे जो ऑप्शन आते हैं दोबारा देखने का, दोबारा करेक्शन करने का, वो हटाना पड़ेगा आपको। वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि कैसे वो किया जाता है। तो उससे क्या होगा, बच्चे एक ही बार टेस्ट दे पाएंगे और लास्ट में जो उसको स्कोर होगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी सर। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आप इसका जो असेसमेंट टूल बना सकते हैं तो आपको उसमें मॉडल में काम करना होगा, या आप इसमें वैकलेट अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं, उसमें आपको सारे बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। और आपका जैसे आपका मॉडल मैंने आपको बताया, अगर आप मॉडल करेंगे तो उसमें क्या होता है, ईमेल बहुत जरूरी है, ईमेल के थ्रू ही आप बच्चों को असेसमेंट कर पाओगे, बिना ईमेल के तो बहुत मुश्किल है। जी सर। तो इसलिए आप ये, तभी इन्होंने क्या कर रखा है कि ये एक टूल्स हैं जिसको आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने भी मान्यता दी है, ई पाठशाला ऐप में भी कई सारे आपके असेसमेंट टूल H5P पे बनाए गए हैं, और आपके जो NROER जो NCERT की वेबसाइट है उसमें भी कई सारे असेसमेंट H5P के आधार पे बनाए गए हैं। तो अब हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी देख लेते हैं। जैसे एक ये है, एक पिक्चर हमने लिए छोटे बच्चों के लिए, जो मैंने उदाहरण दिया था आपका, तो इसमें हॉटस्पॉट हमने लगाए हैं, ये प्लस के चिन्ह हॉटस्पॉट है ये। तो जैसे हमने इसमें बच्चों को पूछेंगे ये क्या चीज है, हमने तो छोटे बच्चों की इमेज बना के लगाई, आप इसमें साइंस में जैसे विज्ञान के बायोलॉजी के कई सारे चित्र होते हैं, जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन हो गया, स्टोमच हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, उस पर बहुत अच्छा इसमें हॉटस्पॉट बन सकता है। और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे क्या है, हाउस हो गया, आप उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे क्या है, ये रेन ड्रॉप्स हो गई, इसके बाद आप पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये अम्ब्रेला हो गया। इस प्रकार की एक छोटी सी एक्टिविटी इसमें बनाई जा सकती है। और ये एक और हॉटस्पॉट है, ये जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कि जैसे इंडियन मेजर रिवर्स है, बच्चों को हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा दिया और बच्चों को मैप में भी बताया कि कौन सी रिवर कहाँ पे है। अब हम बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में या आपके घर में लैपटॉप है, आपके सिस्टम है, या स्कूल में भी आप कंप्यूटर लैब में एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों की, या प्रोजेक्टर में करा सकते हो, माउस आप अपने पास रखिए या किसी बच्चे को बुलाइए, माउस से बोलिए कि ये क्या है, ये कौन सी रिवर है, तो बच्चे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो करेक्ट बताएंगे, गलत हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे इंडस रिवर आ गया, ऐसे हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर हो गई, ऐसे हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यमुना रिवर हो गई। तो ये हैंड ऑन प्रैक्टिस है कि आप पार्ट खत्म करने के बाद बच्चों को इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आधार पे इसमें उनको रिवर के नेम याद अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि वो जब इसको विजुअल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से उनका समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा था, जी सर, सर यहाँ पे बहुत से टीचर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों के साथ जब हम ये शेयर करेंगे कंटेंट, तो क्या बच्चों के मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन होना अनिवार्य है? हाँ, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, ये क्या होता है अपने साथ कोड लेके चलता है, तो HTML आपको पता है मोबाइल्स में भी जावा बेस्ड होते हैं मोबाइल। हाँ, जिनके मोबाइल जावा बेस्ड नहीं होते उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जितने भी स्मार्टफोन होते हैं आपको पता है कि जावा बेस्ड होते हैं ज्यादातर फोन, सब 90%, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो बच्चों को व्हाट्सएप में
क्विज भेजता हूँ और ये हॉट एंड स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी भेजता हूँ, बच्चे करते हैं आराम से मेरे को, तो बच्चे स्क्रीन शॉट भी भेजते हैं कि सर हमने ये कर लिया क्विज। जी सर। तो जैसे ये आप, मैंने कहा था बायोलॉजी में भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोई डायग्राम आपने ले लिया ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, और जैसे ये क्या हेड है क्या है, तो हम इस क्लिक कर सकते हैं हेड, आप कितने भी हॉट एंड स्पॉट इसमें लगा सकते हो जितने आप चाहो। तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम अभी करके दिखाएंगे, ये बैक हो गया था, तो ये यहाँ पे कई चीजें मैंने दिखाई और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो मैं बता रहा था ये वाला, दिस इज ए डैश रोज, द सन इज इंग्लिश की एक्टिविटी बनाई हुई है और इस तरफ हमने सारे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप इसमें कोई भी आंसर कहीं पे भी डाल सकते हैं। दिस इज ए ग्रीन है तो द ट्रीज आर ग्रीन, सिक्स कुछ भी लिख देते हैं हम इसमें फटाफट कर देते हैं। जैसे हमने गलत कर दिया हम इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं, दोबारा आप बच्चे इसमें करेंगे। कुछ भी हमने गलत मतलब डाल दिया तो ये एक्टिविटी से जैसे चेक करेंगे तो ये इसमें यहाँ बता देगा कि आपके कौन से सही थे कौन से गलत, सोल्यूशन भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यही मैं बोल रहा था आपको कि आप ये सो सोल्यूशन और रिट्रे ये बटन अगर आप हटा दोगे तो क्या होगा कि लास्ट में आपको बच्चों के स्कोर पता चल जाएंगे और बच्चे उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें फिर बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो बार बार रीट्रे और सो सोल्यूशन करने से क्या होगा, बच्चों को सीखने, हमारा मकसद बच्चों को सिखाना है, तो हम इसका मतलब मेन मकसद हमारा यही कि बच्चे से बार बार प्रयोग करें और करेक्ट आंसर भरना सीखें। तो सोल्यूशन में जाके हम देख लेंगे कि यहाँ पे येल्लो आना चाहिए था, यहाँ पे फोर आना चाहिए था, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे बी। तो आप इसको दो बार ही शेयर कर सकते हो बच्चों को, एक बार सारे ऑप्शन बंद कर दो, बच्चे अपने मार्क्स भेज देंगे, उसके बाद आप दोबारा ये एक्टिविटी फिर शेयर करो, थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन हटा दो, तो उससे क्या होगा बच्चों को पता चल जाएगा कि मेरे को कैसे करना है इसको। तो ये थे, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, मैं तो थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, और जैसे इंटरैक्टिव वीडियो एक मैंने बनाया था आप भी बना सकते हैं, कोई अगर विज्ञान का आपके पास वीडियो किसी भी पार्ट का तो आप उसको डाल सकते हो। जैसे मैंने ये एक बना रखा है वीडियो, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा है इसका, इकोनॉमिक्स का मैंने बनाया है, इसमें अपलोड किया है, 15 MB तक का आप अपलोड कर सकते हो और बाकी यूट्यूब। Economics is the study of the use of scarce resources that have alternative uses. अब आपने देखा कि वीडियो चलने के बाद अपने आप रुक गया और यहाँ पे एक हाथ का निशान आया, इसका मतलब इस अब आगे ये तभी प्ले होगा जब आप इसमें क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा वीडियो के बीच में ही कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम इसको बोल देंगे जैसे शेयर स्केयर रिसोर्सेस, चेक करेंगे हमारा आंसर सही होगा। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वीडियो फिर आगे चलने शुरू हो जाएगा, तो इसको हाँ तो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव वीडियोज बोलते हैं, आप इसको भी बना सकते हो, आप इंटरैक्टिव एक्टिविटी बना सकते हो। तो ये मैंने दिखाए कुछ, अब हम इसमें क्रिएट करते हैं कुछ, किस प्रकार का, मैं अलग से तो बनाने में बहुत समय लग जाएगा तो मैं इसमें जैसे ये बता देता हूँ, सामाजिक विज्ञान का
फिलिंग द ब्लैंक्स का, क्विज का पहले। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आपने देखा, मैंने अभी ये पढ़ा आप लोगों को, इसका एक्टिविटी बताई थी कि स्टार्टिंग क्विज करते हैं तो इस प्रकार आता है। अब ये बनता कैसे है ये हमारे को देखना है कि ये बनता कैसे है। तो हम इसमें एडिट जाएंगे, यहाँ पे व्यू मोड होता है और एडिट मोड होते हैं, दो मोड होते हैं। तो आप एडिट में जाएंगे, तो आप एडिट में जैसे गए तो आपने देखा यहां पर हमने यहां से सिलेक्ट कंटेंट टाइप, कौन सा आपको कंटेंट बनाना है, कोर प्रेजेंटेशन बनाना है, अकॉर्डन बनाना है, फिलिंदा ब्लैंक्स बनाना है, बहुत सारे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इसमें लिया है क्विज एक्टिविटी, तो क्विज हमने लिया है इसमें। अब क्विज जैसे हम लेंगे तो हमारे पास ट्यूटोरियल और एग्जांपल दोनों रहेंगे कि हम कैसे उसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती कहीं पे बनाने में तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही तो यूट्यूब में देख सकते हो। तो क्वेश्चन सेट है, तो यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है तो हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टाइटल हमने जैसे लिखा कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 4 वायु, और ये सारा आपको पता है यूनिकोड में लिखा जाता है। मोबाइल होगा तो आप उसमें बोल के भी लिख सकते हो ये सारा। अगर आपको हिंदी टाइपिंग में दिक्कत आ रही है तो आप बोल के भी, वॉइस के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज हमें नहीं चाहिए, हमारा ब्लैंक ही है। ऐड अगर हमें कोई बैकग्राउंड इमेज चाहिए हर स्लाइड में तो हम उसको डाल सकते हैं, हमें इसको डालने की जरूरत नहीं है तो हमने इसको ऐड नहीं किया। इसके बाद है प्रोग्रेस, अगर आपको डॉट चाहिए या टेक्सचर चाहिए, हमने डॉट ही चाहिए, जहाँ पे बच्चे सिलेक्ट करते हैं तो डॉट सही रहते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 50 हमने रखा हुआ है और डिफॉल्ट 50 लेता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, तो हमने 50 लिया। अब इसका दो मेथड है इसको बनाने के, एक होता है डिफॉल्ट और एक होता है टेक्सचुअल। टेक्सचुअल में क्या होता है और डिफॉल्ट में, मैं दोनों को बता देता हूँ। डिफॉल्ट में 1x1 एक एक क्वेश्चन करके आप बनाओगे और टेक्सचुअल में एक पूरी फाइल बना दोगे और उसको यहाँ कॉपी कर दोगे तो पूरा क्विज एक बार में बन जाएगा, चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 क्वेश्चन। आपको मेहनत बच जाएगी, आपका जो मेहनत एक घंटे का समय लगेगा वो केवल 5 मिनट में पूरा क्विज तैयार हो जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट में एक एक करके आपको बनाना होगा। जैसे पहला हमने क्लिक करा, हमने 5 क्वेश्चन लेने, जैसे हमने क्विज बनाना 5, तो हमने पहले क्लिक करा अनटाइटल मल्टीप्लाई, तो इसमें क्वेश्चन टाइप हमारा कौन सा है, मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि इसमें 3 आंसर आ रहे थे आपने देखा। तो इसमें आप मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप चाहे लगातार मल्टीपल बना लो, या एक मल्टीपल बनाओ दूसरा फिलिंदा ब्लैंक्स बना लो, तीसरा आप ट्रू और फॉल्स बना सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर आप कैसा क्विज बनाना चाहते हो। तो मैंने मल्टीपल चॉइस लिया है, यहाँ पे अपना भी आ जाएगा मल्टीपल चॉइस। फिर हम इसको और नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर आएगा मीडिया। मीडिया में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, या आपने टेक्स्ट लिखा, इसको आप यहाँ से बोल्ड भी कर दें, ऐसे आप सेलेक्ट करिए, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से जो इसमें फॉर्मेटिंग है वो भी हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। फॉन्ट इतना ही है, फॉन्ट आप इसको चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 2 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से आप नॉर्मल लेंगे तो ये नॉर्मल ही रहेगा। तो ये था क्वेश्चन, अब हमें इसके आंसर बनाने होंगे। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो इसमें हम आंसर ले लेते हैं नीचे। तो हमने आंसर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, पहला टेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा जब खुल जाएगा तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है। तो इस ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसको करेक्ट में निशान नहीं लगाएंगे, अगर हमें करेक्ट कर दिया तो ये सही हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है, तो हम गलत को छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर और नीचे आएंगे, दूसरा ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देंगे, ये भी हमारा गलत है इसलिए हमने इसको करेक्ट नहीं किया।
फिर हम जाएंगे तीसरे पे, ओजोन पे। ओजोन हमारा सही आंसर है। हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही आप इस पे लिख पाओगे। आपने ओजोन लिखा और इसको करेक्ट कर दिया। अगर करेक्ट नहीं करोगे तो वहां पे ऑप्शन नहीं आएगा करेक्ट का, तो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास, आपने तीन ऑप्शन दिए, यहां से हम चौथा भी कर सकते हैं, ऐड ऑप्शन फोर्थ, तो आप यहाँ पे चौथा भी ले सकते हैं, यहाँ लिखोगे आप। तो हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हमने तीन ही लिया, तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर दिया, कंफर्म कर दो, तो आपने ये कंफर्म कर दोगे यहाँ से, तो ये हट गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करने के बाद आप उसको चेक भी कर सकते हो, सेव करके एक क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि मेरा सारा ठीक है, आप ये दूसरा क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे दूसरा मैंने बनाया, फिर वही सेम प्रक्रिया वही है, पहले क्वेश्चन लिखो फिर उनके आंसर लिखो अलग अलग। जैसे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो हमने सोममंडल आंसर इसे करेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने ये सारे कर दिए। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा आपने ले लिया। आप ऐड और करना चाहते हो तो एक छठा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, सातवां, जितना आप चाहो। तो ये था डिफॉल्ट मेथड, जिसमें एक एक करके आपको आंसर लिखने हैं सारे। एक सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप टेक्स्टुअल लिखें इसको। जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी इसमें फाइल नहीं है यहाँ पे, ना तो ये फाइल आपको दिखा देगा। आप वर्ड में लिखिए, हाँ फाइल आ गई है, फाइल से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो जैसे आपने वर्ड में लिख, और हर एक के मैंने आंसर लिख दिए, पहले तीन मैंने ऑप्शन लिखे इसका, एक दो और तीन, और जो राइट आंसर होगा उसके आगे स्टार का निशान लगा दिया। इसमें भी मैंने स्टार लगा दिया है, इसका आंसर है, इसमें मैंने स्टार लगा दिया है, तो जो सही आंसर है उसके पीछे मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है। और ऐसे करने के बाद आप उसको सेव करिए, तो आपकी पूरी क्विज बन जाएगी एक बारी में, ठीक है। तो सर, यहाँ पे कुछ टीचर्स निवेदन कर रहे हैं कि आप स्क्रीन अगर जूम करके उनको दिखा सकें तो वो बेटर देख पाएंगे। ये दिक्कत ये आ रही है कि जूम अगर मैं करूँगा तो इसका कुछ हिस्सा बाहर चले जाएगा, इतना तक दिख सकता है, इससे अगर ज्यादा करा तो ये फिर ऑप्शन जो किनारे के हैं वो हट जाएंगे। अभी दिख रहा है मैम, पहले से तो बड़ा है जी सर, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी जी सर, और फिर दिक्कत आएगी हमें दिखाने में भी। जैसे ये अभी हमने पांच क्वेश्चन मैंने कहा था बनाए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चेकबॉक्स, ये चेकबॉक्स है, और इसको भी आप हटा सकते हो। जैसे पहले का आंसर हमने करा ओजोन, चेक किया तो हमारा सही हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन सोममंडल, चेक किया हमने, ये भी सही हो गया हमारा, हम कोई गलत आंसर डाल देते हैं, ये भी सही हो गया, ये गलत डाल देते हैं, बढ़ता है। ये, और इसमें हम इसका आंसर ये कर सकते हैं और चेक। तो हमने देखा हमारे पांचों सही हो गए फिनिश, तो पांच में से पांच हमारे सही। इस प्रकार की क्विज हम बना सकते हैं असेसमेंट के लिए बच्चों के लिए। तो इसमें इस जो अभी तक मैंने आपको बताया ये क्विज जो हमने बनाई मल्टीपल चॉइस वाली, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बाकी हम इसके बाद अभी इसमें एक हॉटस्पॉट ये ड्रैग एंड ड्रॉप बनाते हैं एक्टिविटी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है जो मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का। इसमें हम इसको एडिट कर देते हैं पहले, तो आपको पता चल जाएगा इसे बनाना कैसे है। तो जैसे आपने एडिट करा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड वर्ड्स, ये मैंने पहले ले लिया था।
ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, ड्रैग एंड वर्ड्स है, वर्ड्स को हमें ड्रॉप करना है। तो और ड्रैग एंड ड्रॉप में आप वर्ड्स को ड्रैग नहीं करते, केवल दूसरी चीजों को करते हैं। और ड्रैग द इमेज की भी एक्टिविटी है, वो भी इसको बना सकते हैं। ये वाली ड्रैग द वर्ड्स है, इसमें वही मैंने कहा ट्यूटोरियल और एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया सौर मंडल में पृथ्वी कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 1। यहाँ पे मेटा डाटा भी आप कर सकते हैं, क्लिक करके इसमें आप अपना डाटा भर सकते हैं कि किसने ये ई कंटेंट डेवलप किया, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा आपका। और टास्क क्या है हमारा बच्चों के लिए, हमने क्या डिस्क्रिप्शन रखा, खाली स्थान भरे, ये हमने टास्क रखा है। इसको ये भी लिख सकते हैं कि खाली स्थान में आप टेक्स्ट को ड्रॉप कर सके, ये भी लिख सकते हैं इसमें। अब हमने क्या करा, हमने टेक्स्ट लिखना शुरू करा। टेक्स्ट टेक्स्ट में हम यहां पे लिखेंगे जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। जैसे हमने ये लिखा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब जो चीज हमें फिल इन द ब्लैंक्स में रखनी है उसके आगे हम स्टार लगाएंगे, तारे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आने चाहिए, नक्षत्र मंडल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आना चाहिए, तो हम इसमें स्टार लगा दिए दोनों में। दूसरे वाला देखो, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं, तो एक स्टार हमने यहां लगा दिया, एक स्टार यहां लगा दिया, इसका मतलब आकाश गंगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, उसको हम ऑप्शन में रखेंगे। ऐसी चांद, यहां पे हमने पृथ्वी रख दिया चौथे में। पांचवे में घरों ग्रहों के पास अपनी गर्मी तथा प्रकाश नहीं होता, तो हमने देखा कि हमने पांच बना दिए हैं और ये स्टार लगा दिए, जो चीज हमें ब्लैंक रखनी है जिसमें बच्चे टेक्स्ट को ड्रॉप करेंगे, यहां मतलब टेक्स्ट को उठा के यहां पे अपने आप लाएंगे। इसके बाद इसमें आप फीडबैक भी दे सकते हो, ओवरऑल फीडबैक और बिहेवियर सेटिंग भी कर सकते हो। ये मैंने कहा था दो बटन, इनेबल रिट्रे और इनेबल शो सॉल्यूशन और इंस्टेंट फीडबैक, ये हमने बंद किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं अगर बच्चा गलत करता है तो उसको तुरंत फीडबैक मिल जाए, या आप चाहते हो कि ये दोनों बटन हम हटा दें, बच्चों मतलब बार बार उसकी प्रैक्टिस ना करें, उसके आंसर ना देखें, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, बिहेवियर सेटिंग बोला जाता है इसको। इसके बाद इसमें वहां ड्रैग द टेक्स्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, मैं बताऊंगा उसको कि अगर उसमें कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसमें दिक्कत आती है। उसमें जैसे हमें कीबोर्ड से अगर हमें करेक्टर लिखने, जैसे कोई आंसर हमारा स्मॉल में लिख दिया किसी बच्चे ने, तो उसको एरर दिखाएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग, जिससे क्या वो चाहे वो स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे उसका आंसर सही माना जाएगा। तो वो टेक्स्ट सेटिंग होती है, क्योंकि हिंदी में हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। अब हमने क्या करा, ये लिखने के बाद हम सेव में जाएंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि व्यू यहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक एडिट है। व्यू में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमसे कोई गलती हुई कि नहीं, या हमने सही बनाया कि नहीं, या हमने बना दिया। तो जो हमने यहाँ पे स्टार लगाए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए, ये रैंडमली चेंज होते जाएंगे, जितने बार आप खोलोगे ये कभी आगे पीछे होते जाएंगे अपने आप डिफॉल्ट, ठीक है, रैंडमली चेंज होंगे। और अब आप यहाँ पे इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसको हमने यहां रख दिया, तारों को हमने यहां रख दिया, तारों को हम आकाश गंगा कहते हैं और चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक है, प्रकाश ग्रहों के पास अपना प्रकाश या गर्मी नहीं होती, और पृथ्वी हमने यहां डाल दिया। तो ये चेकबॉक्स हम हटा सकते हैं, चेकबॉक्स जैसे ही हटाएंगे हमारे पास सीधा सॉल्यूशन बटन आ जाएगा अपने आप ही। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने चेक करा तो हमारी ये बस यही वाला गलत हुआ,
गर्मी यहाँ आएगी और प्रकाश यहाँ आएगा, बाकी हमारा सारा सही है। तो ये जो मैंने एक्टिविटी बनाई है ये आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाई गई है। ये आपने देखा कि आप भी बना सकते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी कक्षा 6 और ये, तो ये एक्टिविटी थी एक। और इसको बार बार बच्चे यहाँ से रिट्राई करके दोबारा भी कर सकते हैं बार बार। तो आप मैंने देखा ये फिर चेंज हो गए, ये रेंडमली चेंज होते चले जाएंगे बार बार। तो इससे करने में मजा आएगा, बच्चों को याद नहीं रहेगा कि पहले कौन सा ऑप्शन था कौन सा था, तो इसमें बड़ा मजा आता है करने में। अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटीज इसमें और दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट में, तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बहुत सारे यहाँ पे ई कंटेंट है या बनाओगे, जैसे कोर प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग। अब हम एक कोर प्रेजेंटेशन ले लेते हैं एक छोटा सा, इसे कैसे बनाना है। तो ये मैंने बना रखा है, थोड़ा मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँ, इसमें बनाने में बहुत समय लगेगा। इसका केवल मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे आप कोर प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रेजेंटेशन स्लाइड खुल जाएगी, जैसे आप पीपीटी बनाते हैं इसी प्रकार की एक ये इसका इंटरफेस है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा एक्टिविटी एरिया है जिसमें आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, ये लिंक हाइपरलिंक, इमेज आप इसमें कहीं पे भी इमेज डाल सकते हैं, शेप आप बना सकते हैं कोई भी, वीडियो आप इसमें डाल भी सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं, स्लाइड डायरेक्ट हम जा सकते हैं कौन से स्लाइड में काम करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी बनाई जा सकती है, मल्टीपल चॉइस बनाई जा सकती है, ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है, समरी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक स्लाइड हमारी वन दिखा रही है, हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी दो स्लाइड हो जाएंगी, अभी हमारी दो हो गई, एक और एक दो स्लाइड हमारी यहाँ पे हो गई। इसे क्लोन हम किसी स्लाइड की कॉपी बना सकते हैं, एक और स्लाइड का बैकग्राउंड हमें अगर कलर देना हो तो हम ऊपर जाके इसका कलर भी फिल कर सकते हैं। हम जैसे इसमें लाइट येलो हमने स्लाइड कलर कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं लाइट, तो हमने जैसे लाइट ब्लू ले लिया और हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी ये स्लाइड पीछे का बैकग्राउंड हमारा स्काई ब्लू हो गया इसका, और यहाँ से हम मूव कर सकते हैं एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से आगे, यहाँ से पीछे ले जा सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अब पहली स्लाइड में जैसे हमें कुछ लिखना है, आप चाहते हैं कि जैसे मेरे को इसमें कोई एक्टिविटी बनानी है पहली स्लाइड में, तो टेक्स्ट अगर आपको इसमें लिखना होगा तो टेक्स्ट एडिटर में जाओगे आप, यहाँ पे जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो वेलकम, या लिख सकते हो फाइंड आउट स्टेट कैपिटल्स, उसके बाद जो कलर है इसको हम ब्लैक ही रख लेते हैं डिफॉल्ट, इसको ले लेंगे। स्टेट कैपिटल इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो टेक्स्ट को, यहां से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मर आएगा,
ट्रांसफॉर्म का मतलब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देखो लो चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, या आपने यहाँ कर दिया और यहाँ से दोबारा एडिट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये सही नहीं बना, इसका कलर मेरे को चेंज करना, गए आप यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट किया और ऊपर आप देख रहे हैं कि इसका मेरे को कलर चेंज करना है, ये सही नहीं लग रहा, तो आप इसको मोर कलर में जाएंगे, तो यहाँ से हम जैसे रेड ले लिया और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे रेड हो गया। यहाँ से भी डन कर सकते हैं, तो अब देखिए रेड में आ गया, अब ये बेटर लग रहा है पहले से। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं कोई इमेज डालूं, कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इमेज में क्लिक करेंगे। अब ये इमेज पूछेगा कि कहाँ से इमेज चाहिए, ऐड इमेज हमें करनी है, तो कोई इमेज अगर हमें इसमें से यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं लखनऊ, लखनऊ हमने लिखा, यहाँ पे हमने इसकी इमेज ले ली लखनऊ की सिटी की, और इससे पता लग जाता है बच्चों की कौन सी कैपिटल है, इस पर करा और यहाँ से हमने इसको ये इमामबाड़ा की फोटो लग रही लखनऊ की, और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया इमेज अपने डेस्कटॉप पे कर देते हैं, या इमेज पिक्चर फोल्डर पे कर देते हैं, सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को हमें लाना है, ऐड करा हमने और पिक्चर में गए हम, पिक्चर में आपके पास बहुत सारी इमेज आ गई है इसमें, तो ये वाली इमेज है, इसको क्लिक करा और ओपन कर दिया, ये आपकी इमेज आ गई है। इसको आप इमेज को भी एडिट कर सकते हो कि बड़ी छोटी है, तो आप इसको क्रॉप करके, यहाँ से क्रॉप करके कितनी आपको इमेज चाहिए, हमें देख लग रहा है ज़्यादा बड़ी है तो इतना हम इसे काट लेते हैं, छोटा कर देते हैं, इतना हमने काट दिया और हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये आ गई हमारी इमेज और इसको हम डन कर देते हैं यहाँ से, जैसे हमने डन करा तो आप देख रहे हैं ये इमेज आ गई, ये आप यहाँ पे इमेज लिया है, इसको इमेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो माउस से, ये और आपको इमेज सही नहीं आ रही यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा। अब आप चाहते हैं कि यहीं पे मैं एक क्विज बना दूं, इसका कोई क्वेश्चन बना दें, तो हम जैसे मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं या ट्रू फॉल्स ले लेते हैं, कुछ भी हम मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं, जैसे मैंने क्लिक करा तो ये मल्टीपल चॉइस के इंटरफेस में आ जाएगा, यहाँ आ गया मल्टीपल चॉइस, आप यहाँ लिख सकते हो फाइंड आउट द राइट कैपिटल, फाइंड आउट द राइट कैपिटल, क्वेश्चन लिख देते हैं व्हाट इज द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, लिख देते हैं शॉर्ट में, या उत्तर प्रदेश। तो आपने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसके ऑप्शन में आपको बनाने पड़ेंगे आंसर। पहले में जैसे हमने लिख दिया देहरादून, ये हमारा सही नहीं है आंसर, गलत है, इसलिए हम इसको करेक्ट में नहीं करेंगे। टिप्स और फीडबैक भी दे सकते हैं अगर हम देना चाहें। दूसरे क्वेश्चन में हम लिख देंगे लखनऊ, और ये हमारा करेक्ट है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। एक और ऑप्शन हम जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, इसमें लिख देते हैं पटना। अब हमने तीन बना लिए इसमें, और अब हम इसको डन करेंगे यहाँ पे। हमने जैसे डन कर लिया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे एक्टिविटी बन गई, ये क्वेश्चन पे इसकी जो और नीचे ले जाएंगे चेक बॉक्स आ जाएगा। आप व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, अब हमारे ये बन गए। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये जो हमने बनाया है, टाइटल हमने नहीं दिया इसमें, टाइटल हम दे देते हैं फाइंड आउट स्टेट्स कैपिटल्स,
ये हमने बना दिया। अब हम चाहते हैं इतना हम चेक कर लें कि हमारा ये सही बना है कि नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ आके, अभी हमने एक ही स्लाइड बनाई है, इसको आके हम नीचे आके सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपकी व्यू, यहाँ पे व्यू दिखाई देगा या एडिट दिखाई देगा, तो व्यू आ गया। अभी ये व्यू मोड है, वो एडिट मोड, एडिट मोड में आप आंसर नहीं कर सकते। अब इसमें देखो आप हाथ आ रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये हाइपरलिंक दिखा रहा है। अब हम इसका आंसर देना है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तो अगर हम लखनऊ लिख, अब पहले हम पटना करते हैं तो चेक करते हैं, ये हमारा गलत है, इसने गलत ऑप्शन दिखा दिया। दोबारा हम करते हैं देहरादून, ये भी हमारा गलत है, और अब हम करते हैं लखनऊ, तो हम चेक करेंगे ये हमारा सही है। तो ये हमारा एक एक्टिविटी, मतलब एक आपका कोर प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड बन गई है किसी भी इमेज की। ऐसे आप दूसरी स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है, और ये दूसरी ब्लैंक है, भी हमने कुछ नहीं बनाई, और तीसरी डिफॉल्ट अपना बनेगी। सारी जितनी स्लाइड आप बनाओगे 10, 12, 20 जितने, उन सब का स्कोरिंग लास्ट में आएगा कि आपके कितने मार्क्स आए सारे क्विज करने के बाद। तो आपने देखा इस प्रकार कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें संबंध में कुछ और पूछना है, फिर हम इसको एडिट करके और बताएंगे इसमें और क्या कैसे कर सकते हैं। और जी सर, तो इसको सेव करके बाद इसमें जैसे हमने दूसरा स्लाइड हम इसमें अगर डालना चाहें तो हम यहाँ पे कोई वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेज आपने डाला था, यहाँ से वीडियो, कोई वीडियो हमें डालना हो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और कोई भी वेबसाइट से वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड आपको मैंने बताया था 16 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, वीडियो जैसे YouTube का अगर हम खोलें, कोई भी हम इसमें वो डालना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे हम सर्च कर लेते हैं, तो कोई वीडियो वेलकोन एरप्शन की छोटी सी वीडियो है ये, और इसका लिंक यहां से आप कॉपी कर लीजिए, अगर यहां से कर लीजिए शेयर, कॉपी कर लीजिए लिंक, आपने कॉपी लिंक कर लिया, उसके बाद इसको बंद करके यहां पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया, इंसर्ट कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये और इसके बाद आप डन पे जाइए, तो आपने देखा जो हमने यूट्यूब का लिंक था यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, और यहीं पे हम बच्चों से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये वीडियो क्या कह रहा है इसके बारे में, तो यहीं पे हम इसमें ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं, या इसके बारे में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि क्या चीज है वेलकोनो क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, व्हाट इज वेलकोनो, तो जैसे ये आ गया, हम यहाँ से जैसे हम कोई टेक्स्ट कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे, और यहाँ आके हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक किया और यहीं पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में ढूंढें और यहाँ पे लिख दें, उसके बाद आप यहाँ पे जाके डन कर दें। तो अब आप देखेंगे,
कि इसके साथ हमारा टेक्स्ट भी आ गया है वेलकनो के बारे में। इसको आप मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ये मूव कर दिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि ये हल्का है, इसको बोल्ड चाहिए, थोड़ा सही करना। फिर एडिटर टूल में जाइए, इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए, तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से डन कर दीजिए, ये देखिए पहले से ज़्यादा ये बोल्ड हो गया और हमें सही दिख रहा है। तो ये एक्टिविटी हो गई, इसमें बच्चे वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बारे में लिखा है। इसके बाद आप चाहते हैं कि इससे एक्टिविटी कोई बनानी हो, तो एक स्लाइड आप यहाँ से ले लीजिए न्यू में, आपने क्लिक करा एक नई स्लाइड खुल गई। यहाँ पे वीडियो से संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे बना सकते हैं, या आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप इसमें कई प्रकार जी, तो यहाँ सर ने जैसे हमारे साथ डिस्कस करा कि किस प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं वो हम इस टूल से बना सकते हैं, यानी H5P टूल के साथ बना सकते हैं, और उसे अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं सभी टीचर्स से यही निवेदन करूंगी कि सेशन खत्म होने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे जाएं और ऐसी ही इंटरैक्टिव एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ बनाएं। तो थैंक यू सो मच डियर टीचर्स, आप हमारे साथ इस सेशन का जो हिस्सा बने और हमारे साथ आपने अपना जो कीमती समय है वो हमें दिया। तो इसी के साथ मैं इप्सिता विदा लेती हूँ, इसी प्रॉमिस के साथ कि हम ऐसे सेशंस आपके साथ और शेयर करते रहेंगे। सभी टीचर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन के बाद वो जो फीडबैक फॉर्म है वो जरूर भरें। फीडबैक फॉर्म जो होगा आपकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर करा जाएगा, आपके साथ SMS के द्वारा और WhatsApp ग्रुप्स में भी शेयर करा जाएगा। तो आप प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को फिल करिए और हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच टीचर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।